अरे कैरेबिनर में से क्या करना है, रोप को पास कर देना है। क्लियर हो गया? और इस तरीके से आपने इनको एंकर कर देना है। यहाँ पे आप नॉट भी लगा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से किसी भी एक में ट्विस्ट दे दो। सपोज मैंने मान लिया इसमें एक ट्विस्ट दे दिया, ये ट्विस्ट आ गया, और ये आपने क्या करना है इसको इस तरीके से, और आपने क्या करना है, आप जो आपका रोप का एंड है वो आपने यहाँ पे लगा देना है। अभी जो आपका एंकर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले सॉलिड, देन इक्वलाइज भी होना चाहिए। इन केस अगर आप रैपलिंग करते करते इस साइड आ गए तो वेट तीनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आ रहा है तीनों में बराबर? सेम इधर ही आपका, अगर आप इस साइड चले गए तो वेट इधर भी क्या होना चाहिए, तीनों में बराबर। अभी इसके साथ साथ अगर आपने इस तरीके से एंकर यूज किया है, इन केस अगर आपका कोई एंकर फॉल हो जाता है, गिर जाता है, निकल जाता है, सपोज मान लें ये एंकर यहां से क्या है निकल गया, ये इस तरीके से आपका एक एंकर निकल गया, तो आपका क्या होना चाहिए, बाकी दो एंकर क्या होने चाहिए, सॉलिड होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपको यहीं पे हैंग कर देगा, निकलेगा नहीं। इन केस अगर आपका तीसरा सेकेंड एंकर भी निकल जाता है तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंकर हो जाएगा, तो इतनी जल्दी ये निकलेगा नहीं। क्लियर हो गया? तो आपका इस तरीके से आपका एंकर होना चाहिए जब आप रैपलिंग का जो बेस बना रहे हैं। नीचे अगर मैं लास्ट पर्सन हूँ, हमेशा लास्ट में कौन रहता है, लीड क्लाइंबर, जो एक्सपीरियंस वाला रहता है। क्लियर हो गया? लीड क्लाइंबर जाएगा भी सबसे आगे और उतरेगा सबसे लास्ट। क्लियर हो गया? अभी मैंने क्या करना है, किसी भी एक एंकर पे अभी ये अपना इस तरीके से मैंने एंकर कर दिया। क्लियर? देन ये रोप भी मैंने इसके साथ या अलग से मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास कैराबिनर है अलग से, तो मैं इस पर भी एंकर कर सकता हूँ इसे इस तरीके से, ठीक है। और बाकी एंकर मैं क्या कर लूँगा, निकाल लूँगा। के अंदर से ये रोप निकाल देना है और ये रोप बराबर कर देना है आपने जितना ये नीचे है। इस तरीके से आपने क्या किया, रोप को बराबर किया, देन आपने रोप नीचे फेंक दिया। क्लियर हो गया? और यहाँ पे आपने एक नॉट लगाया, और इस नॉट को आपने क्या करना है, डिसेंडर देना, तो यहाँ पे एंकर किया और वेट डिसेंडर पे डाला और इसको लॉक कर दिया, ये डबल लॉक। फिर आपने क्या करना है, ये वाला एंकर निकाल दिया, ठीक है। और इस ये इसका जो प्राइस होगा वो मैक्सिमम 400 से 500 होगा, तो आप अपनी कीमत 400-500 लगा लेंगे। आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल में एक पिटोन आपको छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारा सामान आप लेके आ सकते हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपने क्या किया, रैपलिंग करके आप सब नीचे आ जाएगा, ये आपका नीचे आ गया।
अभी इसमें याद रहना चाहिए आपने कौन सा रोप आपने पुल करना है, क्लियर हो गया? ये आपका इस तरीके से पूरा रोप नीचे आ जाएगा, तो लास्ट में आपका क्या छूट जाता है वहाँ पे, पिटोन छूट जाएगा, क्लियर हो गया? उसी तरीके से अगर आप रॉक नेचुरल अगर वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरल में आपने सीधे इस तरीके से डाला, यहाँ पे एक लोहिश डाला, कैराबिनेट डाला, ये डबल करके भी आप आ सकते हैं, तो नेचुरल में अभी आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ रहा है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? Yes, sir.